आपके साथ सरप्राइज़ शेयर करते हैं जो मेरा सरप्राइज़ निकला है, और आप सब दोस्तों को बताते हैं कि मैं भी बहुत हैरान हो गया माशाल्लाह दोस्तों। माशाल्लाह जो सरप्राइज़ मैंने आप सब दोस्तों को बताया था वो ये है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं, काफ़ी 2-3 दिन हो गए मैं आज छत पे नहीं आ रहा था। महबूबे ही वीडियो बना रहे थे और महबूबे ही पोस्ट कर रहे थे, तो अभी भी छत से आया तो काफ़ी ज़्यादा गंदे खत्म। मैंने पहले तो आते साथ मैंने यहाँ पे सफाई की है। ये देखिए आपको छत काफ़ी ज़्यादा साफ़ लग रही है, और देखिए कितनी प्यारी और नीट एंड क्लीन लग रही है। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कभी धूप निकल रही है, कभी छाँव हो रही है। अभी देखिए धूप निकली हुई है। अभी यहाँ पर जो है घर वाले जो है मुर्गियों को दाना डाल गए थे आके, और यहाँ पर मैंने खरगोशों को आते साथ ही छोड़ दिया है। खरगोशों को आराम से मैंने दाना वगैरह डाल दिया, इनका जो खाना है वो डाल दिया मैंने कि रिलैक्स होकर खा ले। आज सबसे पहले मैं यहाँ पे कबूतर खोलूँगा, और आज मुझे एक सरप्राइज़ भी मिला। महबूबे कल बता रहे थे कि सरप्राइज़ है, तो मैंने भी आके सरप्राइज़ देखा, तो आप सब दोस्तों के साथ वो सरप्राइज़ भी शेयर करते हैं। खैर खैर तो ये है कि आज जो है ऐसा सरप्राइज़ मिल गया मुझे, तो मैं अभी यहाँ पे कबूतर खोलता हूँ और आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। अभी यहाँ पे सबसे पहले कबूतर खोलते हैं, फिर मुर्गियों को खोल देंगे और दाना डालेंगे, और लास्ट में आपके सब दोस्तों को सरप्राइज़ शेयर करेंगे। यहाँ पे जो मैंने लबड़ की सफाई जो की थी, उनका जो दाना मैंने बाहर बिखेर दिया कि यहाँ पे जो कबूतर है वो खा लेते हैं, और पानी डाल दिया है। अभी यहाँ पर जो सबसे पहले अपने कबूतर खोलते हैं, माशाल्लाह खुलने के लिए सारे बेताब हो रहे हैं दाना, क्योंकि मेरी कबूतरियाँ जो है बैठी हुई हैं अंडों पे, इसीलिए सारे मैंने जो है खोल रहे हैं। तो देखिए आते साथ उनको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, सारे खाना शुरू हो गया, फिर निकल रहे हैं, बाकी के मैं खुद ही निकाल देता हूँ बाहर। जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सारे कबूतर बाहर आ गए, और मौसम फिर चेंज हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था बादल आ गया सूरज के आगे, और देखें फिर छाँव हो गई है छत पे। अभी सारे कबूतर बाहर आ गए हैं, और मुर्गियाँ भी देखें कैसे रिलैक्स होकर बैठी हैं। सबको मैंने दाना और पानी डाल दिया, दाना पहले खा लिया था इन्होंने, पानी मैंने आके डाला। ये देखें पानी कैसे चेंज की, और पक्षी गिराया जिसने बिना था। ये वाला केज मेरा खाली है, इंशाल्लाह पैर लेके आएंगे। और ये देखिए मेरा ये वाला जोड़ा जो भाइयों का ये रिलैक्स हो खड़ा होगा, और वो देखिए एक जो मिट्टी में खेलने की तैयारी कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव हो गया सारे मेरे जानवर, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, काफ़ी ज़्यादा खुल गया। इस वजह से कि पहले सर्दी होती थी, इसलिए सारे जो मुर्गियाँ वगैरह थी सारी हल्की हल्की सुस्त रहती थी कि धूप नहीं निकलती सही तरीके से। अब माशाल्लाह धूप भी निकली है और मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, पानी वगैरह प्यास वगैरह सही लग रही है। पहले तो पानी वगैरह कम पीते थे, इसलिए जो है मौसम की वजह से, वो प्यास की वजह से इनकी मौसम तबीयत जो है थोड़ी थोड़ी ख़राब थी। अभी माशाल्लाह मेरे देखें यहाँ पे खरगोश जो है ना रिलैक्स हो के अपना शाला खा रहे हैं। एक खरगोश कम है, वो अंदर बैठा हुआ, वो देखे दोस्तों कैसे सुकून से अंदर लेटा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह सबको अपना घर में लगता बहुत पसंद आया। ये देखें ये तोड़ दिया इन्होंने यहाँ से, ये वाला घर जो है ना यहाँ से तोड़ दिया। ये वाले जो स्टाइल था ना बहुत मुश्किल से मैंने बनाया हुआ था, ये ऊपर डिज़ाइनिंग बहुत ही मुश्किल से हुई थी मेरे से। ये वाली जो पेंटिंग भी थी मैंने इसलिए खुद की थी कि आराम से डिज़ाइन भी नज़र आए, और जो ऊपर चीज़ मिट्टी की बनाई बनाई चीज़ें लगी हुई है वो बहुत प्यारी लगती हैं, मगर इन्होंने फिर तोड़ दिया। मैं फिर दोबारा बनाऊँगा, फिर मेरी मेहनत ज़ाया होगी, इसलिए मैं दोबारा अब नहीं बनाऊँगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर पेंट कर दूँगा, डिज़ाइन नहीं बनाऊँगा, इसीलिए जो है मेरी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। ये देखिए माशाल्लाह सारे अंदर चले गए जैसे मैं आया हूँ। अभी ऊपर से भी दिखाते हैं आपको, वो सारे जाके उधर बैठ गए हैं, और बाकी एक मेरा रैबिट जो है बाहर है। बाकी तब तक मेरे खरगोश ये जो कबूतर दाना खा रहे हैं, मुर्गियाँ वगैरह भी सबने खाया हुआ है, फिर मुर्गियाँ खोलेंगे और आप लास्ट पे आप सब दोस्तों से सरप्राइज शेयर करेंगे। जी दोस्तों ये देखें इन्होंने जो है ना नहाना शुरू कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा पहले नहा के चले गए, मैं सिर्फ नीचे गया था, इन्होंने नहाना शुरू कर दिया और दाना खा रहे हैं। बाकी जो अभी तक तो
अब इन सब ने जो है दाना खा रहे हैं रिलैक्स होकर, अब इन सब को करते हैं बंद, फिर अपनी मुर्गियों खोलते हैं और अब फिर आपके साथ सरप्राइज़ शेयर करते हैं जो मेरा सरप्राइज़ निकला है। और आप सब दोस्तों को बताते हैं कि मैं भी बहुत हैरान हो गया, माशाल्लाह मुझे जो है इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। तो दोस्तों इन सब कबूतरों को मैंने कर दिया है बंद और यहाँ पर जो इनका पाउडर पड़ा ये भी उठा के साइड पर रख देते हैं कि मुर्गियाँ ना खाएँ, ये सिर्फ कबूतरों के लिए है। अभी खोलते हैं अपनी मुर्गियाँ कि रात से सारी जो दाना वगैरह खाए आके बाहर, उनको नहीं छोड़ा था। ये बच्चे वाली मुर्गियाँ जो मैंने ऊपर कर दी क्योंकि ये लड़ाकू है, आपको पता लड़ती है बाकी मुर्गियों के साथ। आज आज बाहर आज, और ये ब्लैक वाली मुर्गी जो है ये लड़ती है इसके साथ, इसलिए मैंने इसको ऊपर कर दिया। इसके लिए भी मैंने मुर्गा लेके आना, लेकिन सारे आ गए भाई, कैसे अपनी मुर्गी पीछे पड़ गया जैसे। और भाई यहाँ मीर और सलार देखे कैसे एंजॉय कर रहे, क्या कर रहे हो माबीर, क्या कर रहे हो? वो रैबिट के साथ खेल रही है, गया हुआ था नानों के घर काफी दिनों से। हाँ जी, रैबिट के घर के पास हो? अच्छा, ये देखे सलार, सलार ऊपर नहीं चढ़ना, सलार ऊपर चढ़ता यार बार बार, देखिए माशाल्लाह कैसे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ। दोस्तों सब मुर्गियां जो है देखिए रिलैक्स होकर दाना वगैरह खा रही है, और अपने चिंटू है उसको मैंने बाहर ले आया और लवबर्ड को मैंने दाना डाल दिया बाहर ही, वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया। इंशाल्लाह एक से दो दिन में इनको मैं दोबारा जो है उसी केयर में छोड़ दूंगा। और बाकी मुर्गियाँ देखिए ऊपर चल गई अपने पिंजरों में, और देखो बाकी चूजे जो है रिलैक्स होकर मैं वहाँ के परों के नीचे आ गए, तीन बाहर है बाकी जो देखे मैं वहाँ के परों के नीचे। जी तो दोस्तों अब टाइम आ गया आप सब दोस्तों के साथ सरप्राइज़ शेयर करने का, वो सरप्राइज़ मैं बताऊँ आपको। पहले तो यहाँ पे लवबर्ड को दाना डाल देते हैं, फिर जो हमें लवबर्ड ने सरप्राइज़ दिया वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों माशाल्लाह जो सरप्राइज़ मैंने आप सब दोस्तों को बताया था वो ये है माशाल्लाह, देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले नॉक कर लेना, इनसे इजाज़त ले लें कि हम देख सकते हैं कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, ये हमारे लवबर्ड ने जो है ना दो बेबी दे दिए हैं, हमें तो पता भी नहीं चला कब इन्होंने अंडे दिए हैं। माशाल्लाह देखें बच्चे भी निकाल रही हैं, मैं कहता था ये वाली जो तोती है ना ये अंदर जाती है, और एक अंडा वो देख पीछे जाया हुआ पड़ा खराब है। वो देखिए इसने इजाज़त दी है कि हम देख लें, अभी इन्हें तंग नहीं करेंगे, बंद कर दिया मैंने, रिलैक्स होकर इनको साइड पर कर देते हैं। माशाल्लाह मैंने दोस्तों साइड पर भी कर दिया, हमने जल्द लेके देख लिया इनसे। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई दोस्तों, जरूर शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। मैं आपका बाबरी आपसे तो जल्द अल्लाह हाफिज़।